दोस्तों सर्दियां आ चुकी हैं और मैं जानता हूं कि आप कुछ नया और स्वादिष्ट खाना चाहते हैं, इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान का एक ट्रेडिशनल मटन रेसिपी जिसे सोयता कहा जाता है। ये रेसिपी एक बहुत ही अलग रेसिपी है जो आपको किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगी। इसे देसी घी में मटन और बाजरे की खींच के साथ बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल से बनाया जाता है और आज हम ये रेसिपी आपके लिए जयपुर के क्लाउड किचन से लेकर आए हैं अनुक्रमण जी के साथ उनके ही ब्यूटीफुल हाउस रावला से। और आज हम आपको राजस्थान की अनोखी रेसिपी रावला हाउस के गार्डन में बनाएंगे और आपको आज खा करके भी बताएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आ गया हूँ रावला। जी हाँ, ये वही रावला है अनुक्रमण सर वाला। हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं लेकिन आज मैं, क्योंकि देखो विंटर्स स्टार्ट हो चुके हैं, सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं फाइनली, और मैं आज आया हूँ एक विंटर स्पेशल रेसिपी लेके आपके लिए जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि रेसिपी बहुत पुरानी है लेकिन कुछ ही लोगों को पता है, तो उन कुछ लोगों में से हमेशा की तरह अनुक्रमण सर के पास में ये रेसिपी है और आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सोयता, जी हाँ उस रेसिपी का नाम सोयता है, कि सोयता होता क्या है। अंदर चलते बात करते और आपको बताते हैं ये नई रेसिपी। घर बहुत खूबसूरत है लेकिन। हेलो सर, क्या हाल है आपके? कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया, बेहतरीन। आप हैं फर्स्ट क्लास। मजा आ जाता है लेकिन यहाँ आते ही। ये जो एनवायरनमेंट, ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये और कहीं मिलता नहीं है किसी के घर में एटलीस्ट। नहीं नहीं ऐसी है? नहीं, बहुत सही। तो आज क्या अच्छा, क्या अनोखा हम करने वाले हैं? यहाँ आज अपन बनाएंगे सोयता। सोयता, हाँ सोयता एक बाजरे का डिश है, बाजरा और मटन का, और मारवाड़ इसका ओरिजिन है। तो बाजरा प्लस मीट, हाँ बेसिक कॉम्बिनेशन आप यही मान लें, बाजरे का खिचड़ा है नॉन वेजिटेरियन। क्या बात है, बिल्कुल नई रेसिपी होने वाली है क्योंकि मैंने नहीं सुना इससे पहले सोयता। हाँ नहीं तो क्या, एज ओल्ड रेसिपी है। हाँ मतलब तो पुरानी है, हम लोगों के लिए नहीं है। हाँ, लोग ज़्यादा वाकिफ नहीं है इससे, बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं है तो, पर मेरे हिसाब से तो बहुत बेहतरीन, वन ऑफ माय फेवरेट्स है। बाकी आप खा के बताएंगे तो पता पड़ेगा कि कैसा लगता है आपको। बिल्कुल सर। आई तो ये जो इसका पहला प्रोसेस है जी, कि बाजरे को भिगोना है। बाजरे को भिगोना है? बाजरे को भिगोना है, पहले कूटा हुआ है बाजरा, अब अपन उस बाजरे को भिगोएंगे दूध में। अच्छा, तो ये है दोस्तों सबसे पहला जो इनका प्रोसेस है, ये देखिए दूध है और ये है बाजरा, और ये कूटा है ना आपने? जी। अच्छा, तो ये देखो दोस्तों, ये सबसे पहले जो है दूध बाजरे में डाल दिया, ये देखो क्या बात है सर। इसको कितनी देर सोक करते हैं? इसको करीबन 1-1.5 घंटा अपन सोक करेंगे। अच्छा। तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और जो बाजरे में क्रीमीनेस है जी, वो इस दूध की वजह से आएगी। लोग पानी में सोक करते हैं जी, तो उसमें वो क्रीमीनेस नहीं आती है। ओके, ये है दोस्तों, देखो हमेशा ना अनोखी चीजें मिलती है मुझे यहाँ पर रावला में, और यही कारण है कि मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो सर ये तो हो गया मिक्स, हाँ है ना, तो अभी क्या है नेक्स्ट स्टेप? बस इसको करीबन 1 घंटा अपन जो है भिगने देंगे। अच्छा, और तब तक अपन उधर सेटअप लगाया है उसको चेक करते हैं। खिचड़े को पहले पकाया जाएगा, तो खिचड़े को अपन डाल के कुकर में और अंदर भेज देंगे, जैसे वो पक के आएगा तब तक अपन मटन पकाते हैं। अच्छा जी, साइड बाय साइड चलेगा, ऐसा नहीं है कि पहले ये कर दिया पहले वो कर दिया। सर इस रेसिपी को कितना समय लग जाता है? मटन का कोई भी रेसिपी हो 2 घंटे तो करीब करीब लगते ही है। अच्छा, गुड थिंग्स टेक टाइम, राइट। तो दोस्तों देखो ये लेकिन जो सेटअप है ना सर का, गार्डन आपने देख लिया, ये खूबसूरत सा घर है इनका, और शख्सियत तो खूबसूरत है ही ऑफ कोर्स, बड़ी वाली खूबसूरत। अब देखिए इसमें अपन पानी है, अब इसको पानी को जब तक ये बॉईल पे आएगा तब अपन इसके अंदर ये जो अपन ने दूध और खिचड़ा भिगो रखा है जी, उसको फिर अपन इसके अंदर डालेंगे। ओके, तो अपन दूध को बॉईल, ये पानी को बॉईल पे आने का इंतजार करते हैं। बहुत बढ़िया। दोस्तों देखो हम लोग कुछ देर बैठ गए थे गार्डन में क्योंकि इसको भी सोक किया था हमने और बाकी चीजें भी यहाँ पे तैयारी हो रही थी। अभी तो हो गया सर 1 घंटा ना? बिल्कुल, अब ये देखिए आप पानी भी बॉईल हो गया है। क्या बात है दोस्तों, देखो ये पानी बिल्कुल। अब इसमें अपन ये खिचड़ा जो सोक किया था अपन ने दूध में जी, उसको डाल देंगे। तो ये दोस्तों अभी देखो ये गर्म पानी में इसको ये डाल दिया और साथ के साथ में इसको हिलाते जाना है। अच्छा, तो एक एक करछी डाल के अच्छे से हिलाना है, फिर से डालना है, ये फटे नहीं। अच्छा, फटे भी नहीं क्योंकि दूध है। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि कहा आपने कि ये काफी पुरानी रेसिपी है ना मारवाड़ की जी, तो आपके घर में कौन बनाता था ये? सर मैंने तो अब मेरे मदर को देखा कुक करते हुए, बाकी अच्छा। तो उससे पहले से ही होती आ रही है, मैं ये नहीं बता सकता कि ये इतने 100 साल पुराना है या क्या है। आई डोंट नो द हिस्ट्री, बट काफी पुरानी रेसिपी है। परफेक्ट हो गया बिल्कुल।
अब होना चालू होएगा। देखिए बे उस समय तो दूध काफी था जी, वो सारा एब्जॉर्ब कर लिया बाजरे ने। बिल्कुल, तो इसको बाजरे को भी बहुत ज्यादा यूं दाना दाना नहीं करते, उसको छिलका उतारना मेजर चीज है। तो अपन इसको कुकर को तो अंदर भेज देंगे और अपन अच्छा। यहाँ पे मटन को करना, मटन की तैयारी करें, मटन पकाना चालू करें। ओके, उससे पहले हम मटन भी मैरिनेट और मटन मैरिनेट कर चुके थे आप, है ना। और मटन मैरिनेशन में जो है नमक, मिर्ची, धनिया, अदरक, लहसुन और उसको उससे मैरिनेट किया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसको भेज दें अपन अंदर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो दोस्तों अब ये जो कुकर है ये अंदर जाएगा सर के किचन में, ये वहाँ तैयार होगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे अब मटन की, बाकी की प्रोसेस अभी हम आपको दिखाते हैं। इसमें मटन पकाना शुरू करेंगे। ओके, तो ये बर्तन चढ़ाते हैं ये गरम करके। बिल्कुल। और इसमें घी डालेंगे। अच्छा, तो घी में पहले गरम मसाला प्याज लहसुन फ्राई होगा, घी डालेगा जी। तो ये थोड़ा घी अपन ने गरम करके रख लिया था जी। तो सर ये यही चीजें डालेंगे बस? बिल्कुल, मैरिनेशन में मैंने आपको पहले बताया कि नमक जी, धनिया, मिर्ची, लहसुन और अदरक का पेस्ट है। बिल्कुल। और ये प्याज है, लहसुन और ये गरम मसाला जो फ्राई होगा जी। जी, तो ये एक किलो हमने आज मटन लिया है, एक किलो मटन है, आधा किलो प्याज है जी और आधा किलो ही बाजरा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब देखो दोस्तों घी डल गया था सबसे पहले और घी में बस गरम मसाला डालेंगे। उबाल आने के बाद ये गरम मसाला डाल दिया, बहुत बढ़िया। और गरम मसाले में भी मैं देख रहा हूँ कि जो बड़ी इलायची है वो है, लौंग है और काली मिर्च। अब जैसे ये तड़कने लगेगा जी अपन इसमें लहसुन डालेंगे। ओके, और लहसुन डालते ही फिर अपन इसमें प्याज। तो अब जैसे सर्दियां आ गई हैं और बाजरा दिख रहा है, यही डिश है, गरिष्ठ भी है और गर्म भी है जी, कि घी में है, दूध है, बाजरा है, बाजरा इटसेल्फ गर्म होता है। बिल्कुल, मटन इटसेल्फ गर्म होता है, मिर्च, लहसुन, अदरक अच्छी क्वांटिटी में है। तो ये सर्दियों की डिश है। बढ़िया, विंटर स्पेशल। बिल्कुल, मसाला तड़कने लगा है जी, तो ये लहसुन डाल देते हैं अपन। दोस्तों देखो ये लहसुन डाल दिया, बढ़िया चॉप किया हुआ, बड़ी शानदार आवाज आ रही है। अब इसके अंदर अपन प्याज डाल देंगे। ओके, अब ये डल गया जी प्याज। बाकी खुले में कुकिंग करने का एक्सपीरियंस अलग ही होता है ना। बिल्कुल सर, और सर्दियों का मौसम, धीमी सी धूप, तो मैं आपको बता दूं पिछली बार भी जब मैं आया था अनुक्रमण सर के पास में, तो मैंने सर से पूछा था कि ये इसके अलावा और क्या करते, तो पता चला था कि ये बहुत सही एक्सपीरियंसेस करवाते हैं लोगों को। तो आज उसी की बात हो रही थी। अगर आप नए हैं और पहला वीडियो देख रहे हैं अनुक्रमण सर के साथ मेरा, तो ये एक और चीज है जो सर बहुत अच्छे से करते हैं। और सर अब की बार मैं चलूंगा आपके साथ, है ना। बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम, वी विल बी वेरी हैप्पी। ये होता है क्योंकि हम इसको डार्क ब्राउन करने वाले हैं प्याज को, तब तक हम आपको दिखाते हैं जो ये मैरिनेट किया हुआ है इन्होंने। अब अपन लोग करीबन इसको 2-3 घंटा मैरिनेट करते हैं कम से कम। अच्छा, तो और मसाले हैं जो घर के पिसे हैं जी, बाहर के मसाले में विश्वास कम है। और जो पीसेस यूज करते हैं वो नली, गर्दन, चाप यही यूज करते हैं, पीछे की टांग का, गोल बोटी हम बहुत कम यूज करते हैं। और मुझे याद आ रहा है कि आपने पिछली बार कहा था मैं ऑर्गन्स यूज नहीं करता। नहीं, ऑर्गन्स यूज नहीं करते। और जो रास भी है वो करीबन 10 kg के आसपास का करते हैं, ऐसा अच्छा। नहीं ज्यादा वेट वाला नहीं करते, फिर उसमें रेशा बहुत आता है। बिल्कुल, तो उसको खाने में वो आनंद नहीं आता, अपना अपना टेस्ट है। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं अनुक्रमण सर राठौर है तो झटका मीट ही यूज करते हैं, आपको यहाँ पे झटका मीट ही मिलेगा। हाँ। जो पीसेस है वो बिल्कुल चुनिंदा लाते हैं और सब कुछ खुद बनाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि जो चीज इनको पसंद है वही जाए। और प्रिपरेशन तो हम आपको बता ही रहे। अब जैसे कोई ऑर्डर आता है तो उसके लिए जो प्रिपरेशन है जी वो भी उस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए ही है। अगर एक दिन में 3 किलो, 3 अलग अलग ऑर्डर है, 1-1 किलो लाल मांस, तो वो तीनों अलग बनते हैं। हाँ, एक साथ नहीं बनेंगे। नहीं, राइट, आप बहुत कम ऑर्डर्स लेते हो। नहीं, हाँ, और चुनिंदा ही जो लेते हो, अप्रिशिएट कर सके। हाँ, उसी के लिए कुक करने में मजा आता है। जो खुशबू आ रही है ना यहाँ से, तो खुशबू जब पकेगा तो उसका अरोमा तो छूटेगा ही छूटेगा। बहुत सही, मतलब और यहाँ से भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। पिछली बार जब मैं आया था ना तो हमने किया था शफक शीर जो की एक मटन रेसिपी थी, अगेन दूध के साथ में। आज भी हम एक रेसिपी कर रहे हैं जिसका नाम है सोयता, वो भी दूध के साथ में है, दूध और बाजरा और मटन, है ना। आपकी रेसिपीज में दूध जरूर होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो अपन रेसिपी ऐसी कर रहे हैं, विंटर्स आ गए हैं। बिल्कुल, तो हम आपके लिए लाल मांस भी लेकर के आएंगे बाटी के साथ जरूर। बिल्कुल, और कॉमेंट करो किस किस को वो रेसिपी देखनी है। अच्छे कॉमेंट्स आएंगे तो मैं सर को प्रेशराइज करवाऊंगा, देखो कॉमेंट्स आ गए। बट बहुत सही, देखो इनका एक तरीका है, हर चीज को समय देते हैं। और समय क्यों दे पाते, इतने पेशेंट क्यों है ये मैं बता,
देता हूँ आपको, ये जो पूरा गार्डन आप देख रहे हो ना, पिछली बार जब हमने किया था इनके साथ, सर ने बताया था, पहले तो यहाँ पे सारे आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, है ना, सबके इन्होंने लगा रखे है। और जो बागवानी करना अपने आप में बहुत यू नो पेशेंस का काम। कुकिंग भी स्लो आप देखोगे तो फ्लेम कभी भी आपको इनकी ज्यादा फ्लेम में ही पकाते ही नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम में पकाते हैं। अभी भी देखो ये है ना प्याज जो है ब्राउन हो रहा है बिल्कुल स्लो, समय लगेगा लेकिन जो बन करके चीज आ जाती है ना सामने, फिर वो टेस्ट बोलता है सही। समय लगेगा शीर, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ अभी भी उसको, पता है अल्टीमेट चीज है, बहुत सही। ये भी एक नई चीज है, आज खा करके देखेंगे। अभी ऑलमोस्ट पूरा ब्राउन हो गया है, अब अपन इसको निकाल देते हैं। ये देखिए जी, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों ये सारा निकाल दिया है जी सर, ये जो प्याज लहसुन वगैरह है फ्राई करके अलग निकाल दिए हैं जी जी। अब अपन ये इसमें मटन डालेंगे, ओके, जो अपन ने मैरिनेट करके रखा हुआ है, तो जितना ओ क्या बात है, पीसेस देखो यार दोस्तों, क्या सही पीसेस लिए हैं सर ने, और मैरिनेशन क्या बात है। और पूरा जो घी था ना इसमें, आपने देखा था पूरे प्याज इसी में ब्राउन हुए थे, इसमें मसाला था, पूरी जो उनकी फ्रेग्रेंस है वो सारी इसमें है। और अब ये मटन डलेगा तो वो सारा सब कुछ इसमें जस्ट हो जाएगा, है ना सर? बिल्कुल, क्या बात है, ये है ना, ये वेस्ट नहीं कर सकते, ये सोना है, ये लाल रंग का सोना है ये। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ये देखो ये है माहौल रावला का सी आर। तो अब ये डल गया है पूरा, और अब चलाएंगे इसको। पीसेस देखो यार आप, सुर्ख लाल। तो वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, सर का मैंने आपको बताया एक्सपीरियंसेस करवाते हैं, सारी बातें आपने सुनी, जो कुकिंग है हालांकि शौकिया तौर पे भी करते हैं, और अभी क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट इन्होंने खोला है, बट बहुत ही कम ऑर्डर्स लेते हैं, है ना। जब भी आप ऑर्डर देंगे, मुझे नहीं लगता हर बार आपका ऑर्डर एक्सेप्ट होगा कि नहीं, लेकिन अगर आप करेंगे तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, जो चीज़ आपके पास बन करके आएगी ना, वो सिर्फ आपके लिए बनेगी और आप तक आएगी, इसकी तो श्योरिटी है जो मैंने देखा है, सही है ना। बल्क में कुकिंग करती नहीं है। हाँ, बल्क में कुकिंग नहीं, बल्क में वो स्वाद बैठेगा ही नहीं। क्या बात, पीसेस देख के और माहौल देखो दोस्तों, ये देखो क्या लग रहे हैं। अब इसको अपन छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ढक्कन लगा देते हैं, हल्की सी हीट इसके अंदर बनेगी। तो इसको भी अभी भी हमने सिम पे ही रखा है ना? हाँ, मीडियम आंच है, मीडियम आंच। अभी अपन ने इसको 10-1 मिनट के लिए करीबन ढका था। बिल्कुल जी, अब इसकी अपन एक बार कवर हटा के जी और चला देंगे, और इसके अब आप अरोमा लो। आप क्या बात, अब ये जो अरोमा का डिफरेंस है वो इसलिए है, एक तो मांस की खुशबू है क्योंकि इसमें सॉरी टू इंटरप्ट यू, इधर आना एक बार, ये देखो बोन मैरो देखो सर, ये पीस उठाइएगा नली वाला जी, ये देखो यार, ये देख रहे हो किस तरह से जो है ना बोन मैरो बाहर आ रही है, इसी की स्मेल है कि अब ये जो मीट है इसमें घी में मांस पकने की खुशबू ज्यादा है, ज्यादा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब ये 80% डन हो जाएगा तब अपन इसमें दही ऐड करें। ओके ओके, तो सर आप क्योंकि स्विगी जोमेटो पे हम नहीं है और आप प्रेफर भी नहीं करते, नहीं, तो आप डायरेक्ट ऑर्डर्स लेंगे, है ना? डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं फोन पे, प्रेफरेबली एक दिन पहले ऑर्डर, क्या है ना, तो कई रेसिपीज हैं जिसमें मसाला भिगोना है, करना है, वो उसी दिन करें, फिर दूसरा कि 12-1 बजे बाद में अपन लोग मटन भी प्रोक्योर नहीं करते हैं जी जी, फिर वो चॉइस वाले पीस नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, फिर तो जो मिलता है वही ऑप्शन है, तो वो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ 12-1 बजे बाद में, तो जो मैं नहीं प्रेफर करता खुद के लिए वो मैं मेरे कस्टमर को भी नहीं देना चाहता। सही बात, बहुत सही। अभी डन हो गया है पर फिर भी अपन एक बार चेक कर लेते हैं। हाय हाय, हो गया है। हाँ, क्या बात है, शानदार। और नीचे जो मसाला, हाँ? बिल्कुल, वो भी ड्राई हो गया है। हाँ। और घी छूट गया है, अब अपन इसमें दही ऐड कर देंगे। ओके, तो दोस्तों देखो ये जिस दही की बात हुई थी, ये देखो यार बिल्कुल क्रीम। अभी अपन इसमें, तो ये देखो ये डल गया दही, शानदार, बहुत ही बढ़िया, देखो कितनी क्रीमी। और मैंने देखा इसमें पानी का यूज नहीं हुआ बिल्कुल, नहीं पानी का यूज है ना, पानी बहुत कम ही यूज करते हैं अपन किसी भी रेसिपी में। हाँ, सफ़क्शीर में भी नहीं था। हाँ, लाल मांस में भी बहुत मिनिमल यूज होता है पानी। इसका क्या कारण है आपकी तरफ से? पानी, अगर आपको झोल चाहिए तो पानी डालें, बाकी अब इसमें तो पानी की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो झोल बनेगा ही नहीं। और ये तो बिल्कुल जो है बाजरे के साथ बिल्कुल बिल्कुल, जो अभी आप देखो अभी दही जो है जी इसको चलाना पड़ेगा नहीं फट जाएगा। बिल्कुल, बाकी सर दही डलती ही अभी जो ये अलग सी खुशबू आ रही है ना, बिल्कुल
दही ऑलमोस्ट घुल गया है जी, ये देखो दोस्तों बिल्कुल घुल गया है और जो हर एक पीस पे देखो लग भी गया है बहुत ही अच्छे से जी। और अपन खिचड़ा मंगवाते हैं अंदर से बिल्कुल, और फिर ये बेसिकली लेयरिंग में जाएगा, मटन अलग निकालेंगे फिर उसके अंदर खिचड़ा डालेंगे, फिर जो वो प्याज वगैरह है वो अंदर ऊपर आएगा, फिर उसके ऊपर वापस मटन आएगा, फिर खिचड़ा आएगा, फिर ऊपर से वापस। क्या बात, बहुत सही प्रोसेस है ये तो, बहुत अलग, बोलना मुश्किल हो रहा है। अब खाने की तैयारी, अब आप रहा नहीं जा रहा एक्चुअली, खुशबुएं इतनी हो गई हैं। अब आप मेरे सोचो ना, आप तो पहली बार खा रहे हो, मेरे को तो पता है मेरे को क्या खाना है, मेरे लिए कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। सही बात है। तो अभी जो हमने मीट पकाना था वो हो चुका बिल्कुल, है ना, निकाल लेंगे अलग से। और ये देखिए निकाल भी रहे हैं अनुक्रमण जी, ये देखिए क्या शानदार, ये अपने आप में देखो ये एक रेसिपी है जो अभी हम निकाल रहे हैं, है ना। ये देखो आप चाहो तो रोटी लेके इसके साथ भी खा सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। और अभी तो सोयता आ ही रहा है जो हम आज जिसके लिए आए हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि पानी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ पानी बिल्कुल नहीं है, घी की प्रिपरेशन है जी, घी और दही और मसाला भी ऊपर से नहीं डाला, जो इस पर मैरिनेशन में था वही है, वही है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये आ गया जी हमारा खिचड़ा, ये देखिए। तो ये आप इसमें ये भी निकाल रहे हैं ना थोड़ा सा, हाँ, इसका ऊपर से डालने के लिए बाद में। बहुत सही दोस्तों, देखो ये रेसिपी छुपी हुई रेसिपी थी, हालांकि बहुत पुरानी रेसिपी है, मारवाड़ में बनती है और मेवाड़ में भी है, वहाँ अपने मक्का से बनाते हैं। ये भी आप खा सकते हो अलग से, ये भी खा सकते हो, बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन आज हम बना रहे हैं जिसको सोयता बोलते हैं। ये देखो क्या बात है यार सी, और ये आ गया अब इसमें इस तरह से। अब इसकी एक लेयर जो है खिचड़े की इसके ऊपर, बाजरे की खिचड़े की, देखिए इसमें हम अनुक्रमण जी जो है वो कर रहे हैं, बहुत सही। दोस्तों कमेंट करो इससे पहले अगर आपने ये रेसिपी देखी है तो भी करो, और अगर नहीं देखी है और इस तरह की और रेसिपीज अगर आपको चाहिए यूनिक तो हम और लाएंगे, सर बस थोड़े बिजी रहते हैं पर जब भी टाइम निकालेंगे हम लोग लाएंगे आपके लिए। बहुत सही लग रहा है। जो अपन ने प्याज और लहसुन गरम मसाला फ्राई किया था जी, थोड़ा सा ये, अच्छा अब इसके ऊपर डाल देंगे जी। अरे वाह, देखो दोस्तों ये बरिस्ता अब इसके ऊपर जा रहा है, ये जो प्याज है बिल्कुल ब्राउन क्रिस्प हो चुके हैं, आवाज आ रही है बिल्कुल क्रंची एकदम, क्रंची एकदम, आप देख सकते हो ये रंगत है फाइनल। अब इसके ऊपर फिर से ये जो मटन निकाला था, ये देखो यार क्या बात है, देखो इसको एक लेयर मटन की और इसके ऊपर जा रही है, बहुत ही बढ़िया। तो सर विंटर्स में हफ्ते में कितनी बार बन जाता होगा ये? नहीं नहीं, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बाजरा वगैरह कूटना पड़ता है। हाँ, तो स्पेशल डे महीने में एक दो बार, सर्दी ज्यादा होते ही डिमांड आ जाती है घर में, यहाँ तो सोयता खाना चाहिए। क्या बात है, थोड़ा सा बरिस्ता और डाल देंगे और इसके ऊपर एक और लेयर बरिस्ता की, दोस्तों देखो ये डल गया। अब अपन इसके ऊपर खिचड़ा वापस डाल देंगे और डाल देंगे। ये देखो एक और लेयर जो है खिचड़े की अब ऊपर जा रही है इसके, मैंने खाते हुए नहीं सुने लोग सर ऐसा क्यों, लेकिन अगर ये टीडीएस है प्रोसेस तो नहीं करते लोग बाग, लेकिन बहुत सही बहुत सही। अब इसको थोड़ा सा यूं करके इसमें वापस बरिस्ता और डाल देंगे ऊपर से। अच्छा, और ये जो बची हुई तरी है जी ये डाल देंगे। तो ये देखिए अब ये डाल दिया इसके ऊपर, क्या बात है यार, मेरे ख्याल से व्यूअर्स को मजा तो आ रहा होगा ये देख, नो डाउटली। ये देखो जी अब ये जो है ये डल गया इसके ऊपर, क्या बात है। तो अब इसको ऐसे ही ढक देंगे या? हाँ, ये हो चुका है रेडी, ये हो गया रेडी। अच्छा, इसको एक मिनट ढकेंगे अपन। तो ये अंदर जो है वो हल्का सा जैसे बॉईल होएगा तो उसके साथ में वो रसीजता रहेगा जो खिचड़ा है वो, और ये एक चीज हो जाएगी। अब 5-10 मिनट और वेट करना है? हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों देखो फाइनली अब 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखो यार क्या बात है, अपन बंद कर देंगे और ये गैस बंद कर दिया हमने, है ना जी। अभी रेडी टू सर्व है, उबाल आप देख सकते हो, रेडी बात है मुझसे ज्यादा दाव खुश हो रहे हो आज, सोयता है सोयता फाइनली बन गया है और अब सर ने उठा लिया है इसको। अब ये देखो ये हमारी टेबल यहाँ लगी हुई है ऑलरेडी, इसको दूर रखेंगे तो फिर दोबारा सेकंड हेल्प में टाइम लगेगा ना, अब तो मर्जी है जब सेकंड हेल्प। सही बात है। तो ये देखो जी अब एक बार फिर से देखो इसकी रंगत देख लो आप, और अब हम बैठ जाते हैं यहाँ पे। ऐसे गार्डन का फील बहुत अलग होता है सर्दी में, दिन में भी मजा आता है, और अभी देखो जैसे जैसे रात होती जाएगी ना वैसे वैसे सर्दी बढ़ती जाएगी। आपने देखा था पहले मैं टी शर्ट में था, अभी मैंने जैकेट भी डाल लिया है, और अब ये फाइनली बन करके आ गई है हमारे सामने, बहुत ही बढ़िया। तो अभी देखो फाइनली ये सर्व होगा, और ये देखो ये आ गया जी देखो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा, मेरा नाम है आशीष। फाइनली आज देखो हम दोबारा आए हैं रावला और अनुक्रमण जी के पास में। हम पहले भी आए थे और हमने आपको बहुत ही एक यूनिक रेसिपी दिखाई थी, सैलाना रॉयल फैमिली से वो रेसिपी थी, शफक शीर नाम था, आपने देखी थी पूरी रेसिपी, ना देखी हो
तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। अब बहुत बातें हो गई, रेसिपी आपने पूरी देख ली, फाइनली इसको खा करके देखते हैं। देखो सबसे पहले तो जो सर ने सर्व किया है ना, देखो नली का पीस है ऊपर ही ऊपर, गलावट आप चेक करो, और ये जो ये बूंद बूंद गिर रही है ना, ये पूरी जो रेसिपी है ये देसी घी की रेसिपी है, आपने देखा था। गलावट चेक करो, ये देखो अभी इसको यहाँ से निकाल दीजिए, इसको ऐसे ही हाथ में ले लेता हूँ जी इसको। तो जो गलावट आई है ना सर, परफेक्टली कुक, तीखा तो नहीं है। देखो जो मटन है चुई नहीं है, अंदर जाते ही बहुत बड़ा बाइट था, बट अंदर जाते ही अब सेटल हो गया दो तीन बार चबाने में ही। अब एक बार, क्योंकि देखो हमने मीट तो खा लिया, अब देखो ये एक हम लेते हैं अच्छे से। सर ये मेरा मुंह तो नहीं जला देगा? देखिए ये एक बार आप देखिए, चम्मच पे हमने अभी सिर्फ खीचड़ा लिया है, इसके ऊपर आप देख सकते हो ये जो प्याज हैं बिल्कुल ब्राउन और थोड़ा सा घी इसके साथ में, हालांकि ये अंदर से गर्म हो सकता है बट रहा तो नहीं जा रहा। जो बरिस्ते की मिठास होती है ना, वो खीचड़े का खुद का फ्लेवर और घी, घी ने और जो इसकी ये जो खटास आ रही है ना, इसने चार चांद लगाए इस रेसिपी पे, आप बिल्कुल सही बोल रहे थे। बट जो दही डाला था इसमें उसका बहुत सही फ्लेवर आ रहा है घी के साथ जी, परफेक्ट। दही की खटास आती है, दही की जो खटास आती है, क्रीमीनेस है, खीचड़े में भी दूध है बिल्कुल। तो हालांकि दूध तो सेटल हो गया, दही खीचड़ा मीट का जो एक फ्लेवर होता है ना जी, खीचड़ा तो दही, दूध तो खीचड़े में ही। हाँ, इसको अगर आप एक बार खाओगे ना, तो ये जब तक कि भूख शांत नहीं होती ना, तो आप खाते जाओगे। बहुत सही, अब देखो ये बहुत सही से पीसेस सर ने डाले, एक चाप का पीस है, इसको ले देखिए, ये मैंने निकाल दिया, ये देखो ये लेते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर ये प्याज और ये खीचड़ा। अब आप ये देखो, बहुत सही, बहुत अलग फ्लेवर, और रेसिपी तो बिल्कुल अलग थी ही, टेस्ट बहुत अच्छा है। मेरे को लगा एक बार बाजरे के खीचड़े के साथ बन रहा है तो मीट का कैसा क्या रोल होगा उसमें, टेस्ट में कैसे क्या होगा, बट बहुत स्वादिष्ट। मतलब ये वैसी सी डिश है कि बस इसको लेके बैठो तो फिर खाओ, फिर बातें मत करो, है ना, इसी का आनंद लिया जाए, इसी का आनंद लिया जाए। कहीं केवल खिचड़े का स्वाद आएगा, कहीं मटन का स्वाद आएगा, कहीं मसाले का आएगा, कहीं बरिस्ता का आएगा। ये सच में वैसी सी चीज है और बहुत अलग रेसिपी, टेस्ट बहुत अच्छा है, तीखा नहीं लगेगा, सारे जो मसाले हैं बहुत ही मतलब बैलेंस्ड है। कलर देख के आपको लगेगा कि बहुत तीखा होगा, बहुत तीखा होगा लेकिन है नहीं, पर एक्चुअली खिचड़ा इन सबको बैलेंस कर रहा है यहाँ पर। एक्चुअली क्या ये बहुत नई चीज है, मेरे लिए भी थी, आप में से भी बहुत लोगों के लिए नई चीज होगी। अगर खाना चाहते हो तो आप ऑर्डर कर सकते हो, आपको डिटेल्स जो है अनुक्रमण सर का जो नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और क्योंकि एक क्लाउड किचन है, और जैसा कि सर ने भी आपको मेंशन किया था जब हम रेसिपी कर रहे थे कि आप अगर बनवाना चाहते हैं ये डिश, तो एक दिन पहले आप ऑर्डर करेंगे तो ज्यादा ईजी हो जाएगा। पर्टिकुलर सोएते में तो करीबन 2 दिन पहले बोले अच्छा तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि बाजरा कुटेगा भी, फ्रेश ही कुटता है। देखो इस तरीके की चीजें खानी है, नई नई रेसिपीज खानी है, तो सर अभी जैसा बोले वैसा करो। अब उसमें प्रोसेस है तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते, प्रोसेस तो आपने देख ही लिया है ना, तो आप एक दो दिन पहले ऑर्डर कर सकते हो। सर इसकी प्राइस क्या होगी? 1 किलो से कम क्वांटिटी आप नहीं देते हो, है ना? तो जैसे ये 1 किलो का बनेगा तो इसको करीबन 7-8 लोग आराम से खा सकते हैं, आराम, है ना, और क्योंकि हेवी है और फिर साथ में खिचड़ा भी है। 2000 रुपीज़ kg है, 2000 रुपीज़ kg है। और क्यों है? देसी घी की प्रिपरेशन, आपके पास जो प्रिपरेशन आएगी वो तो ज्यादा आएगी, 1 किलो मटन की प्रिपरेशन है ये। मेरे ख्याल से अगर इसको वेट वाइज देखा जाए तो ये 2.5-3 किलो का जाएगा प्रिपरेशन उनके पास, बहुत। और इस जगह पे देखो, अब क्योंकि मैंने खा लिया, मैंने इसका टेस्ट ले लिया, और जो सर कह रहे थे वो सही कह रहे थे, इसका टेस्ट अलग है। गरम गरम जब आप खाओगे ना, तो ये आपके लिए कुछ ऐसी डिश होगी कि इसकी तलब लग सकती है आपको फिर। तो बहुत अच्छा जायका। यहाँ इस मोमेंट में मैं आपको इसकी रेटिंग दे सकता हूँ, और इसकी रेटिंग बकायदा यही होनी चाहिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं। और ये चीज़ खाने के लिए आपके पास भूख भी अच्छी होनी चाहिए, अगर आपको भूख अच्छी लगी हुई होगी ना, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी आप। बहुत बढ़िया। इसका प्राइस मैंने आपको बता दिया, प्राइस आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, है ना। 1 किलो से कम का ऑर्डर नहीं लिया जाता, ऑर्डर करना है तो 2 दिन पहले आप बता दीजिएगा। बाकी सारी डिस्क्रिप्शन में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं इजीली। ये आपको स्विगी जोमेटो पे नहीं मिलेगा, तो आपको पर्सनली कॉल करके ऑर्डर करना पड़ेगा। और अगर आपको और एक्सपीरियंसेस करने हैं, जैसा कि हमने बात की थी, ऑफ रोडिंग या कैंपिंग, इस तरीके के एक्सपीरियंसेस लेने हैं राजस्थान में, राइट, तो ऑफ रोडिंग कैंपिंग है,
सिटी वॉक्स हैं, फूड वॉक्स, हेरिटेज क्राफ्ट वॉक्स हैं, तो वो भी अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो भी सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब ये ठंडा हो इससे पहले है ना, क्योंकि अब मेरे को इसको मजा लेना है, तो मैं इसको बहुत अच्छे से खाऊंगा। सब कुछ हमने कवर किया, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये रेसिपी पसंद आई होगी। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर नाउ, अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन किसी और नई जगह किसी और नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।